जरूर से बांग वोट एम जरूर कान गया वोट एम के फायदा हुयु कान गया नोय जैसे अब ओड़ा रे बिजली हजु कना दा हजु कना रोड बिना कना रोड रे हजु चला रे अब सुविधा बन जामदा हॉस्पिटल रे रान रे व्यवस्था हुयु कना सरकारी स्कूल अडिगन जिनिस से अब जहाना जिनिस दल को हुईना चावले को हुईना ओना रे दर दाम जे डिसाइड होकना निर्णय होकना ना तो सरकार होते दिख हुयु कना कमी दिन मापे बुझे चल का स्थिति कुली सरकार बाकना ताले बुझ कमे जहां मन मर्जी दामे बढ़ाव दाड़ा जिन जिन जहाँ पूरा दुनिया रे चला कान तबना अब पूरा भारत रे चला कान तो सरकार होते तक चला कान ना तके वोट दो एम जरूर कना और अपनारा मने लेकान कु सरकार से उनकान को नेता चुनाव को जरूर कना जत हो अपन पे अधिकार में। यहाँ के ग्रामीण एकजुट होकर सरकार से मांग किया है पहले सड़क और पानी फिर वोट। वोट बहिष्कार की खबर मिलते ही DDC शाहिद अख्तर दोनों बूथ पहुँच कर मतदाता को समझाने बुझाने में जुटे है। खबर भेजे जाने तक मतदाता सड़क और पानी की मांग पर अड़े थे। हम ग्राम छतरों से हैं। बात यही है कि मतलब बूथ संख्या 40 में हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि मतलब हम लोग का गाँव में सड़क नहीं है, पीने को पानी भी नहीं है। कम से कम झारखंड से बिहार से झारखंड अलग होकर 24 साल हो गया है, फिर आज़ादी होकर 75 साल हो रहा है, फिर भी हम लोग रोड और पानी से हम लोग झेल रहे हैं। इसलिए हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि मतलब बूथ संख्या 40 में कारीपारी गांव और छोटरों में सारा हम लोग का भविष्या होना चाहिए। ये लोकसभा का चुनाव है और इस भविष्या को इस बहिष्कार में अगर नहीं हुआ तो हम लोग विधानसभा चुनाव में भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। भोट में होला नगी हुई ना जहाँ तो तारीख हुई 1 मई 2024 इले और भोट इन एम के गया और जो हर भोट दो एम दरकार कान रोड में हम लोग 10 साल से हम लोग देते आ रहे हैं। एक बार विजय हजार जो भी लाए थे आम बगान में बैठे थे तो सब गांधी पड़ता पहाड़िया टोला संथाल टोला सभी को हम लोग जमा होकर के विजय हजार जी को भी बुलाए थे। बुलाने के बाद उनको दिया था ही तो होने का ऐसे बोलता है सुने हैं कि DMFT फंड से अपने 4 पार्ट में हुआ है लेकिन अभी तो कोई एग्रीमेंट भी नहीं, लेकिन लोगों ने अभी बोलता है हुआ है या नहीं हुआ है। जब तक हम लोग काम नहीं देखेंगे तब तक तो यहाँ आपका कोई हम लोग का विश्वास नहीं है, यही कह रहे हैं लोग। प्रधान जी भी दोनों संथाल प्रधान और पढ़िया प्रधान भी समझाते बुझाते मैंने लोग थक गया है नहीं समझ रहा है और हमको भी बोल रहा है कि मैंने मुखिया जी आपका यहाँ जो लोग जमा हुआ है क्यों जमा हुआ है? यही वोटर नहीं दिलवाने के लिए बहिष्कार करने के लिए। अच्छा बोलता है हम लोग को सरकार नहीं देख रहा है तो इसके लिए हम लोग सरकार को वोट। कौन कौन गांव का लोग बहिष्कार कर रहे हैं और कौन वाला बैजनाथपुर वोट देने आए? बैजनाथपुर का बहिष्कार करना चाहता है और आपका ये गांडू पड़ता संथाल टोला और पहाड़िया तीनों टोला और कौन कौन वोट देने के लिए आए हैं?